भाई आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हो कि आप लोग रिचार्ज कर पैसे कैसे कमा सकते हैं। आज के समय में देखा जाए तो हर घर के अंदर 4-5 फोन जरूर मिल जाएंगे और आप लोग उसका मंथली रिचार्ज भी करते होंगे। और देखा जाए तो हम लोग ज्यादातर जो रिचार्ज हैं वो फोन पे और गूगल पे से करते हैं और अब उन पे भी रिचार्ज करने के 1 से 2 रुपए का हमें चार्ज देना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को रिचार्ज के बदले में 3% का कमीशन देगा और ये ऐप उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है जिन लोगों का रिचार्ज का काम है या फिर जिसके पास 4 से 5 फोन है जिन लोगों को मंथली रिचार्ज करने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप लोग मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, आप लोग इसके अंदर अपना बिजली का बिल भी भर सकते हैं और भी बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगे जिनको आप इजीली यूज कर इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं। इसके अंदर अकाउंट कैसे ओपन कर पाओगे अब उसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग इस ऐप के लिंक पर क्लिक करोगे उसके बाद आप डायरेक्टली इस इंटरफेस पे आ जाओगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और यहां मैं आप लोगों को इसकी रेटिंग भी दिखा देता हूं कि आप लोगों को 4.7 की इसकी रेटिंग मिलेगी और लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड हैं। अब कैसे इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करोगे उसके बारे में मैं बता लेता हूँ। अब आप लोगों को इस पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो भाई जैसे आप इस पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आप इस पर डू इट लेटर पर क्लिक कर देना। अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। जैसे अपना फ़ोन नंबर डालोगे उसके बाद यहाँ पर एक OTP आएगा, सेम OTP आप लोग यहां पर फिल आउट कर देना जो OTP आपके फोन नंबर पर आएगा। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट करने के बाद आप लोग देखोगे यहां पर आपको OTP शो हो जाएगा। अब आप लोग देखोगे यहां पर आप लोगों को OTP आ जाएगा। अब OTP पर जैसे हम क्लिक करेंगे, मैंने यहां पर मैन्युअली अपना OTP फिल आउट कर दिया है। अब आप लोगों को यहां पर अपना पासवर्ड और नाम डालना होगा, थोड़ा सा परमिशंस मांगेगा, वो सारी परमिशन आप लोगों को यहां पर डाल देनी है। अब यहां पर आप लोगों को अपना नाम डालना है, जैसे कि आप देखोगे मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया। अब यहाँ पर आप लोग कोई भी अपना पासवर्ड बना लेना। अब मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बना ले रहा हूँ, जैसे कि आप देखोगे मैंने यहाँ पर पासवर्ड बना लिया है। अब उसके बाद यहाँ एक ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी डाल दी है। अब आप लोग देखोगे आप लोगों के फ़ोन में भी कोई ना कोई मेल आईडी होगी, वही मेल आईडी आप यहाँ पर फिल आउट कर देना। नहीं भी डालोगे तो भी कोई इशू नहीं रहने वाला है, ठीक है। ऐसे इसके अंदर अपना मेल आईडी डाल दोगे, सब कुछ डाल दोगे, उसके बाद आप लोगों को यहां पर आएगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहां पर आप लोगों को 3% का कैशबैक मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आगे मैं अब आप लोगों को बता देता हूं। अब आप लोग देखोगे यहां पर आप लोगों को अभी हाल फिलहाल में 1 रुपया भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये यहां पर आप लोगों को शो तब होगा जब आप लोग इसके अंदर रिचार्ज कर लोगे, देन उसके बाद आप लोगों को ये शो होता है। अब मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूं, आप लोग यहां पर बस की बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, DTH कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस सिलेंडर, ठीक है, और ये पाइप गैस और बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। अब आप लोग मोर डिवाइस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनके थ्रू आप इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन सारे रिचार्ज को कर आप लोग अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अब आप लोग इसके अंदर अपनी एड मनी कैसे करोगे, सबसे पहले आप लोगों को एड मनी पर क्लिक करना है, देन उसके बाद आप लोगों को यहां पर 10 रुपये पर क्लिक करना होगा, देन उसके बाद आप लोगों को यहां पर ऑप्शंस मांगेगा कि आप UPI से पेमेंट करना चाहते हो, जैसे कि ये UPI का आ रहा है और एक नेट बैंकिंग का, तो मैं यहां पर UPI पे क्लिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मेरे अकाउंट से डायरेक्टली 10 रुपये कट जाएंगे और इधर ऐड हो जाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को कोई भी रिचार्ज इसके अंदर करूंगा तो वो इजीली मैं इसके अंदर कर सकता हूं। अब मैं आप लोगों को जैसे 10 रुपये ऐड हो चुके हैं, देन उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहां पर कौन से नंबर का रिचार्ज आप लोगों को करना है, सपोज मुझे इस फोन का रिचार्ज करना है। उसके बाद आप लोग देखना कि आप लोगों को यहां पर पूरा स्लॉट आएगा कि कौन सी सिम है, किस एरिया में आपकी सिम है, जैसे यहां पर आप लोगों को शो हो जाएगा ये सारी चीजें। उसके बाद आप इजीली इसके अंदर रिचार्ज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें 3% का कमीशन भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैं अब आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इसके अंदर और भी रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर बुक करना चाहो तो वो भी इजीली इसके अंदर कर सकते हैं और 3% तक का कमीशन भी आप लोग इसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। अब आप लोग इधर क्लिक करोगे तो बस की टिकट भी बुक कर सकते हैं, यहां आप अपनी जहां भी जाना, मतलब जहां से जाना चाहते हो और जहां जाना चाहते हो, जो डेट जिस तारीख को आप जाना चाहते हो वो आप अपना फिल आउट कर दें। उसके बाद आप लोग देखोगे ऊपर अर्न 3% इंस्टेंट कैशबैक ऑन योर बस बुकिंग। अगर आप लोगों की टिकट 1000 रुपए की हुई तो उसका 3% माने कि लगभग 300 रुपए आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब 330 रुपीज आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। अब बैक करते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहां पर एक और ऑप्शन मिल जाता है, ये है रेफर एंड अर्न का। इसके अंदर आप लोग इस ऐप को जिसको भी इंस्टॉल करवाओगे उसके बाद आप लोग यहां पर अर्निंग कर लोगे। उसके लिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, रेफर पे क्लिक करना है और रेफर लिस्ट अभी इसमें कुछ भी शो नहीं हो रही है,
पर आप लोगों को यहाँ पर अपने फ्रेंड को इस थ्रू मतलब ये ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शेयर रेफरल, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप किसी भी फ्रेंड को इस लिंक को दोगे और वो इसके अंदर अपना अकाउंट बनाएगा। अकाउंट बनाना कुछ भी नहीं है, सिंपली अपना आईडी देकर अपना नाम देकर आप इजीली इसके अंदर अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद आप इसमें रेफर कर भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और वो रेफर करे हुए पैसे भी आप लोगों को यहां पर ही शो हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसके अंदर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं।